बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दरगाह अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार अरवी की रेसिपी। आप इसको अरबी की रेसिपी के नाम से भी जानते होंगे, अरवी की रेसिपी पे आप अरवी कहें या अरबी, ये आपकी मर्ज़ी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हाफ कप ऑयल, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना क्योंकि ऑयल और घी कम ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। आपने अरवी को अच्छे तरीके से काट लेना है। काट लेने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से छोटे छोटे गोल टुकड़ों में इसको काट लिया है, क्योंकि ये हर नवाले के साथ आए तो इसका मज़ा आता है और आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। अरवी को काटने के बाद आपने इसको तकरीबन पानी डालने के, 2 से 3 चम्मच नमक डालने, और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए पानी में रखना है ताकि इसके अंदर जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जब इसको काट रहे होते हैं, अमूमन काटते वक्त इसका इशू ये आता है कि आपके हाथों में जलन महसूस होती है, तो उसके लिए आपने आसान हल ये है कि आपने इसको जब भी काटना है तो काटने से पहले अपने हाथों को सरसों का जो घरों में नॉर्मल तेल होता है उसको अपने हाथों पे लगा लेना है, और फिर ये जो इसकी लेस है ये ईजिली उतर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑयल जैसा कि हाफ कप लिया है, इसको हमने गर्म कर लेना है, और प्याज को हमने ये देखे 2 से 3 अदद छोटे प्याज हैं उनको हमने काट लिया और इस तरीके से चॉप कर लिया। आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप इसलिए किया क्योंकि मुझे अरवी के अंदर ज़्यादा ग्रेवी पसंद है, तो अरवी के अंदर ग्रेवी ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं इसकी ग्रेवी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और साथ में हमने इसको डाल लेंगे। अभी यहाँ पे हमने इसको तब तक इसकी बनाई करनी तब तक इसका तकरीबन लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी और ज़्यादा लो भी नहीं करनी, मीडियम से हाई फ्लेम आपने यहाँ पर रखनी है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है तो आपको अरबी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी ये स्पेशल रेसिपी पसंदीदा है क्योंकि आलू अरबी मैं बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता हूँ। आपको ये कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हम यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, और साथ ही में इसका कलर चेंज होते ही इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। जी तो दोस्तों माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। तो अभी हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर का पेस्ट, इसको भी हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया हुआ है। आप इसकी जगह पे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अगर आप 2 मिनट पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा फ्राई करके दोबारा टमाटर डाल सकते हैं, तो वो भी तरीका गलत नहीं है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं ये चीज़ें इकट्ठी डाल रहा हूँ, तो जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होता है 2 से 4 मिनट, तो उसी के साथ हम यहाँ पर इसके जो मसाले हैं वो डालेंगे। जी तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ दिया और वो भी अच्छे तरीके से मिक्स होने लग पड़ा है। जैसे ही ये मिक्स होने शुरू होगा हम यहाँ पर मसाले और नमक मिर्च वगैरह ऐड कर देंगे। तो जैसा कि मेरे पास 3 पाव अरबी है तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगा, और साथ ही हाफ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे, और सुर्ख मिर्च आप अपनी मर्ज़ी की भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून चाय वाला चम्मच जो होता है वो ऐड करूँगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लगना शुरू हो जाए, जैसे कि ऐसा मामला आप देखें तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि ये जो चीज़ें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखा करें। यहाँ पर थोड़ा सा आधा कप पानी ऐड करूँगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और देखें माशाल्लाह कलर आ गया और इसने अभी बेहतरीन तरीके से हल होना शुरू हो जाना। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन तरीके से हमारा कलर आया, और ये अभी देखें अभी पानी और ऑयल इकट्ठा है। जैसे हम यूँ करेंगे और पानी और ऑयल अलग नज़र आने लग पड़ेगा तब हम अरवी को यहाँ पर ऐड करेंगे। याद रखिएगा जब भी आपने भुनाई करनी है तो भुनाई पे किसी भी किस्म का आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कि जब भी भुनाई अच्छी हुई हो तो आपकी कुकिंग तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। जी तो दोस्तों माशाल्लाह से चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन तरीके से हमारा जो मसाला है वो ब्राउन हो गया, और कलर भी आप देख सकते हैं अभी देखें ऑयल बिल्कुल चेंज हो रहा है, और ऑयल जैसे ही आप यूं करते हैं ऑयल अलहदा हो रहा है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पे ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारा जो पानी है और मसाला वो बिल्कुल खुश्क होने के बाद बेहतरीन फ्राई हो गया। अब इस जगह पे हम अरबी को ऐड करेंगे। आपने इस तरीके से अरबी को काट लेना, और बाद में नमक वाले पानी के साथ थोड़ी देर रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से ड्रेन करके धो लेना है, और ये हम यहाँ पर तकरीबन 3 पाव अरबी हमने ऐड की। अरवी को हम तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसी मसाले के अंदर, और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आपने इसी के साथ पानी नहीं ऐड करना, फिर उसका जो जायका है वो इतना कोई टेंडर नहीं निकलता, इसको थोड़ा सा फ्राई लाजमी कर लेना।
फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम ही रखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना बेहतरीन कलर हमारी इस रेसिपी का आ गया। और ये जो हमने कुछ देर के लिए नमक लगाकर अरवी को रखा था, इसकी वजह से बहुत सी जो लेसदार मामला होता है वो ख़त्म हो जाता है। और याद रखिएगा, जब भी आप अरवी लाते हैं तो उसको धोना नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। आपने काटने के बाद नमक लगा के पानी रख लें या वैसे धो लें, लेकिन काटने के बाद आपने इसको धोना है। अभी हम तकरीबन सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों देखें, माशाल्लाह से 2 से 4 मिनट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हमारी जो अरवी है वो फ्राई हो गई है। अभी हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उतना ऐड करना जिसमें आपकी जो अरवी है वो डूब जाए। तो ये देखिए, आपने सिर्फ यहाँ पर मेरे दो से तीन गिलास इसमें ऐड हुए हैं और अरवी इसके अंदर डूब गई है। आपने भी इसी का खास ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना और ना ही पानी आपने कम ऐड करना है। देखिए, आपने जितनी जिसमें अरवी डूब रही है आपने इजीली उतना पानी ऐड करना। अभी इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और फिर मिलते हैं आपको। जी तो दोस्तों 7 मिनट हो गए हैं। आपने अब इसको थोड़ा सा हिला लेना, ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाना, इस तरीके से वो लेसदार ज़्यादा हो सकती है, तो आपने इसको एहतियात से डिसेंट तरीके से हिलाना है। अभी हमने सिर्फ पानी खुश करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो रही है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात, कुछ लोग ज़्यादा लेसदार अरवी को पसंद नहीं करते, तो आपने एक अदद बड़ा नींबू काट के उसको इस तरीके से आपने फेंक देना। बीज कोशिश करनी है इसके अंदर ना जाए। तो अभी ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चटकारेदार और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी और इसके साथ जो इसकी लेस है वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने अभी हमारी जो अरवी है वो अभी इतनी नहीं गली, अभी बिल्कुल कच्ची है, तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना जब तक इसका पानी भी खुश्क नहीं हो जाता और ये अभी नरम नहीं होती, अभी सख्त है। जी तो दोस्तों पानी जैसा कि हमारा खुश्क हो रहा है, तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम मीडियम से भी लो करनी है और आपने यहाँ पे इसको ढक देना, ताकि ये जो हमारी अरवी है इसको जो चीज़ें कच्ची रह जाएँ वो कच्ची ना रहें। तो आपने इसको फ्लेम को थोड़ा सा लो करके आपने ढक देना, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि किसी भी किस्म का कच्चापन इसके अंदर ना रहे। जी तो दोस्तों तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। चलो आपने बीच में देखते रहना ताकि नीचे जले ना, फ्लेम आपने बिल्कुल यहाँ पे लो ही रखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन तरीके से हमारी जो अरबी है वो पानी के साथ मिक्स हो गई है और पानी अभी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। तो अभी हम देखेंगे ये गला है कि नहीं। इसके लिए एक बेहतरीन सा कोई पीस उठाएँ अरबी का और अब हम देखते हैं इसको, अब हम देखते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें कितना आराम से ये टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अरबी है वो बिल्कुल टूट चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह देखें। तो अभी सिर्फ 2 से 4 मिनट हम मज़ीद इसको भूनेंगे। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी इस दौरान ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा मकसद सिर्फ पानी खुश करना भी नहीं होता बल्कि भुनाई करना भी होता है। तो आपने इसी का स्पेशली ध्यान रखना है। अभी जैसा कि मैं लो फ्लेम पर ही इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पका के इसको डिश आउट करता हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कि हमारी ये फाइनल लुक कैसी है। अभी हम यहाँ पे तकरीबन हरी मिर्च मैंने 2 से 3 अदर काटी हैं, वो हम डाल लेंगे और उसको भी इसी के साथ पका लेंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट मज़ीद मैं इसको भूनूंगा और फिर इसकी फ़ाइनल मैं लुक आपको दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इंशाल्लाह ये ग्रेवी वाली अरबी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी स्पेशल रेसिपीज में से एक हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको आप जब भी अपने घर में बनाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम लो रख के हम इसको ढकेंगे और फिर मिलते हैं आपको फाइनल लुक के साथ। दोस्तों आज की हमारी अरबी की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी अरवी कितनी टेंडर तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।